कल पीटीएम है भाई। काई की पीटीएम है बस ऐसे ऐसे समीर की भी है तभी तो आ रहा है। आओ भाई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई बोलो तो सही। इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से इंटीग्रेशन करने वाले हैं अपन। और इंटीग्रेशन में क्या क्या देख लिया, नॉर्मल इंटीग्रेशन देख लिया था जैसे कि अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन निकालो टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या निकाल लेंगे अपन, एस निकालेंगे क्या निकलेगा कांस्टेंट भार भाई, कांस्टेंट भार कर देंगे सबसे पहले तो कांस्टेंट भार क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी और वो आइडेंटिटी अपॉन आइडेंटिटी क्या है एक्स की पावर टू प्लस वन एक्स की पावर एन और एन प्लस वन डी एक्स वो क्या हो जाएगी एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन एन प्लस वन बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लगा देंगे सर टू बाहर ब्रैकेट बंद एक्स टू की पावर एन मतलब क्या टू प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या टू प्लस वन यही होगा ना भाई पावर थ्री प्लस वन अपॉन तो क्या आ जाएगा हमारे पास में टू प्लस वन एक्स टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री नहीं आया क्योंकि टू बाय थ्री एक्स क्यूब यही आंसर है ना सिंपल बहुत बढ़िया। अब एक नया आइडेंटिटी लिखवाई थी तुम याद करो एक आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने और वो आइडेंटिटी थी इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स ये खतरनाक वाली तो उसमें क्या था इंटीग्रेशन बेसिकली क्या पहले वाले को छोड़ना था और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना था माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्या डी बाय डी एक्स ऑफ बी डी एक्स था बी डी एक्स था या यू डी एक्स था यू डी एक्स फिर इसके बाद में बी डी एक्स इंटीग्रेशन फिर बड़ा वाला डी एक्स क्या यही थी यही था सेम देखो अरे यू था या वी लगाया था मैंने वी लगाया हुआ है एक मिनट देखो यू है यू है भाई साहब बिल्कुल सही है यू आएगा यू डी एक्स आएगा बिल्कुल गलती नहीं करना है ना सही फॉर्मूला लगाया अपने ने चलो भाई इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे आगे का खतरनाक वाली आइडेंटिटी है बिल्कुल असली में तुम्हें फीलिंग आई कि यू आर इन 11th क्लास है ना आ जाओ तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स करेंगे भाई करेंगे पहले मैं करके दिखाऊंगा सिंपल है बहुत अपने को करना है ठीक है। अरे बच्चों हमारे लिए यू क्या है एक्स और वी कौन है ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है ना तो अपन करेंगे इसको भाई साहब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में सबसे पहले अपन ने क्या छोड़ा किसको छोड़ देगी यू को यू मतलब x को छोड़ देगी देखो उधर यू को छोड़ दिया ना अब यू को छोड़ दिया इसका मतलब x को छोड़ दिया इंटीग्रेशन v dx तो v क्या है e टू द पावर x dx माइनस क्या बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा है बाहर ये देखो ना ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा है मतलब इंटीग्रेशन लगा है बड़ा वाला क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन लगा है अब उसके बाद में क्या करते हैं भाई साहब डी यू बाई डी एक्स के ये देखो डी यू बाई डी एक्स अब डी यू बाई डी एक्स अगर है क्या है डी यू बाई डी एक्स तो यू क्या अपना एक्स हो गया तो ये डी एक्स बाई डी एक्स बेसिकली ये यू का काम कर रहा है एक्स यहाँ पे माइनस क्या चीज बोले इंटीग्रेशन माइनस नहीं आएगा सॉरी माइनस तो नहीं लग इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स तो बी मतलब क्या ई टू दी पावर एक्स डी एक्स होगा Yes, यही है ना भाई VDX ही है ना बड़े बड़े शब्दों में लिख लो एकदम तरीके से कोई गलती नहीं होना चाहिए ये VDX मतलब VDX V की जगह कौन है टू दी पावर एक्स और बाहर फिर क्या लगा है यहाँ पे DX क्या यही है। अब देखो X इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे अब इंटीग्रेशन कर देंगे टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू दी पावर एक्स माइनस बड़ा वाला आ जाओ यहाँ dx by dx क्या हो जाएगा भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर उसमें पावर 1 है तो 0 हो जाएगा हाँ
क्या आता है भाई जल्दी बोलेंगे x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, x की पावर तो जीरो हो जाएगा। x टू द पावर 1 है? यस सर। x टू द पावर 1 है तो अपन को आइडेंटिटी पता थी कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अच्छा, देखो जरा ध्यान से, क्या ये देखो ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, बिल्कुल ये बेसिकली d बाय dx ऑफ x है। क्या हम x का ही तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगा सकता हूँ n, ये अगर यहाँ पे n x की पावर n माइनस 1 वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 1, बेसिकली x की पावर क्या x टू द पावर n वाला रोल कर रही है ना। ये आइडेंटिटी पड़ी है कि नहीं पड़ी? पड़ी है सर। तो ये 1 की जगह बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, ओ n की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, तो क्या 1 माइनस 1 0 हो जाएगा? Yes, sir. x टू द पावर 0 को अपन क्या लिखते हैं 1। क्या मेरी बात समझ में आई? दूर दूर तक समझ में आया कि नहीं? इसको नहीं आया। अरे पहले थी तो ये आइडेंटिटी, ये कराया ना अपने डिफरेंशिएशन। हाँ। अरे तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने रिवीजन नहीं करा प्रशोम। सर एक कल हो रहा था सीएम रिवीजन के, मैंने तो रिवीजन नहीं लिया। अरे सर आप पढ़ा ना समझ रहा हूँ करा रहा हूँ। अरे डिफरेंशिएशन भी, अरे वो पता है, वो समझ। चलो अभी कोई बात नहीं, याद नहीं आ रही है, अगर इतना घबराने वाली बात नहीं, नहीं है। सुनो सुनो, इतना समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी। e टू द पावर x, ये dx बाहर वाला तो रहेगा, ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस। अब देखो ये ब्रैकेट जब मैं हटा दूंगा और इस 1 का क्या कोई मीनिंग रह जाएगा क्या? नहीं। तो क्या इसको डायरेक्ट e टू द पावर x dx लिख सकता हूँ मैं? बोलो yes, मैंने गलती तो नहीं करी कुछ? नो सर। तो क्या x e टू द पावर x माइनस क्या लिख दूं? बोलो x e टू द पावर x। तो क्या यहाँ पे x e टू द पावर x माइनस ये तुम्हारा आंसर है? इसे और सिंपलीफाई कर दो तो क्या तुम्हारा x माइनस 1 e टू द पावर x होगा भाई। x ये x e टू द पावर x है, ये e टू द पावर x से कैंसिल नहीं होंगे आपस में, इसके साथ x है ना प्रोडक्ट में। यहाँ से हम e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन। पहले बॉर्ड मास उड़ाने का बहुत शौक, बॉर्ड मास भूल गया। आया कि नहीं आया? अपन मैच भूल रहे हैं अभी, मेन बात ये हो रही है। रात से जाएंगे कोचिंग मैच की। हां वहां पर यस स्टार्ट हो गया, वहां से कुछ बच्चे यहाँ भी भेजो फिर। काहे के लिए? फिजिक्स के लिए आते हैं वहाँ पे कुछ 11th के बच्चे हैं। पता करेंगे सर। अच्छा आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, गुड। क्या बात है, इसको बोलते हैं गिव एंड टेक, ट्रांसफर। सम विल गो, अदर्स विल कम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ पढ़ा सर? ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन था भाई साहब, जूनियर क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा। अच्छा ग्रेविटेशन, ये तुमने ये नहीं देखा भाई, जो भी इसमें ये लिखा था, इस ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होता है, वो अट्रैक्ट। हाँ अट्रैक्ट करते हैं, तो वी आर हैविंग मास, तो वी कैन अट्रैक्ट अदर्स आल्सो, वी कैन अट्रैक्ट अदर्स टू हियर आल्सो। लॉग ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, लॉग ई एक्स डी एक्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे log ex dx। क्या अभी तक हमने ये बता कहीं की कोई भी आइडेंटिटी पढ़ी, कहीं पर भी हमने ये पढ़ा कि हम log का इंटीग्रेशन 1 upon x कर सकते हैं? यस सर, ये पढ़ा है हमने। देखो आइडेंटिटी जरा, देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आइडेंटिटी क्या वहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ log ex is equal to 1 by x, log 1 upon x dx। तो फिर तुम लोग कैसे बोल रहे हो, कैसा अच्छा है, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। तो कहीं भी ऐसा नहीं है हमारे पास log ex का नहीं है, इसको भी थोड़ा ट्रिक से करना पड़ेगा। ट्रिक से क्या करेंगे भाई, पहली बात तो ये चीज है नहीं हमारे पास, पहले ex को ले लेंगे भाई, ये वाला ex अलग चीज है,
ये log e उसके बेस में आता है, ये x इसका फैक्टर है, मतलब इसके उसमें आता है, मेरी बात समझ में, एक ही चीज है log e x, एक ही चीज है। आ जाओ इसको करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे log e x, क्या मैं इनटू वन लिखूंगा तो गलती हो जाएगी क्या कुछ? नो भाई, अल्टीमेटली है तो भाई बाहर ही लिखा है तो भी क्या हो जाएगा? यस सर। क्या क्या ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या इसमें कुछ चेंज आ जाएगा? है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, मगर हम फिर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx। नहीं लगा सकते कि नहीं लगा सकते, क्या मेरे लिए u क्या होगा बोलो? u का log log e x, बोलो क्या मेरे लिए v क्या होगा? One. तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या करके बताओगे? यस सर। करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन। क्या मैं थोड़ा सा लिख दूं क्या इसमें? पहले वाले को छोड़ेंगे log e x, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इंटीग्रेशन किसका, दूसरे वाले का, दैट इज 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx, वो भी किसका, तो log e x का, और इंटू इंटीग्रेशन v मतलब 1 dx का और dx, ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने तो यहां लिखी हुई है। तेरे बिना बिना हिसाब पे ऐसा नु कुछ बताना था सर, तू बता यही बताना था, गाना नहीं, हमें तुम आंसर बताओ, गाना बता ले आते कि मैंने -313 ग्राम पता किया, क्या पता करी है वो, वही दुकान का बताया। अरे वेरी गुड, क्या बात, मजा आ गया, मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया, साइंस का पहला उपयोग किया ऐसा। चलो भाई, करेंगे भाई साहब जल्दी जल्दी करेंगे और बताएंगे कि कैसे होता है, है ना? कांस्टेंट वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है? कांस्टेंट वाली कांस्टेंट भारत का तो जो होती है बस ये बाहर आता है, अंदर तो डी एक्स होते हैं उसे मैं बताऊं क्या करके, मैं बताऊं कि तुम लोग करना चाह रहे हो, हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं, कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा लिख देंगे पागल, और डर के नौका पार नहीं होती, ऐसे कुछ है क्या? कांस्टेंट हो सकता है लॉग को, थोड़ा कांस्टेंट है, 1 है कांस्टेंट, पागल हो रहा है तो तुम 1 को हार निकाल लो, लॉग को हार क्यों निकाल रहे हो? u को बाहर लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने, ये देखो, जस्ट मैच व्हाट एवर यू आर डूइंग विद दिस ओनली, तो मैंने भी तो ये किया, तो बाहर क्यों निकालेंगे उसको, आइडेंटिटी आ गई, जब उसके साथ कोई फैक्टर होता तब बाहर निकालते हैं, या अकेला है कांस्टेंट, तो हम बाहर क्यों निकालते, तो भाई बोल रहा हूँ करा तुम लोगों ने? यस सर, कर लिया। क्या मैं करूँ क्या? ना आ जाओ, सी है बेसिकली log e x, क्या ऐसा कैसे लिखेंगे? बिल्कुल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ 1, क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था बोलो? x की पावर 0 dx, x टू दी पावर, अगर ये बेसिकली x टू दी पावर 0 dx, ये क्या लिखा जाएगा, इसको अपन क्या लिखेंगे? नहीं, 1 तो ये है ऑलरेडी, इट इज 1, एंड वी कैन राइट 1 एज x टू दी पावर 0, बट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर मैंने उतना ही लिखा ना, ये देखो इसको देखना, इतना इतना पार्ट ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जस्ट सी, क्या ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 dx,
अपन क्या लिख सकते हैं वन को x टू दी पावर जीरो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसके आगे का नहीं, इसके आगे देखें आप, अब देखो x टू दी पावर n बन गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा लगेगा? x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, और यहाँ पे n क्या है हमारे लिए जीरो, यहाँ पे n क्या हमारे लिए जीरो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा, अल्टीमेटली क्या मिलेगा? x, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x? यस भाई साहब, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? x माइनस इंटीग्रेशन, अब बोलो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर dy by dx of log x है तो क्या लिख सकते हैं हम उसको? सर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x dx, भाई 1 अपॉन x लिख दिया, ये डिफरेंशिएशन ही log x का 1 अपॉन x होता है। अब ये वाला पार्ट बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, वो अपने लिए क्या आया था? x, यस सर, तो समझ में आ रहा नहीं क्या बस? आ रहा है भाई, dy by dx of log x 1 by x है, yes, ये डिफरेंशिएशन है उसका, yes, खत्म बात। अब बचा ये पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो अपन ने निकाल लिया, अपन ने निकाल लिया। अब मगर अपन ये देखो ध्यान से, इसके बाहर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर कौन बैठा है? dx, क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। क्या ये x इस x को काट देगा? बोलो हाँ कि ना? काट देगा। ये log x into x, ये x स्क्वायर नहीं होगा, बात समझ में आ रही? ये पूरी एक टर्म है, yes, sir, है ना? माइनस इंटीग्रेशन, आपके पास में फिर क्या बचा आगे? 1 dx, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही? इसे हम क्या लिख देंगे? log e x into x माइनस x, बोलो हाँ, yes, sir, अच्छी बात है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अब आगे चल के? क्या चीज में से कॉमन निकल जाएगी, इसमें से क्या चीज कॉमन निकल सकती है? एक्स, अगर आप x बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा? log e x माइनस क्या? 1 माइनस 1, अबे वो उसका इसका x बाहर आया और इसका x बाहर आया, इसके पास में log e x था और ये x था और ये x था, x अगर कॉमन निकाल लोगे तो इसके पास से ये वाला x चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? log e x और ये वाला x जब बाहर आएगा तो मैं, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा? yes, sir. वो वाला डीएक्स काम है, मैं पहले तुम एक काम करते हैं, सुनो, कौन सा डीएक्स बताओ? वो जो यू के बाजू में लिखा है, ये वाला? यस सर, मैं यहाँ पे अटक गया। अच्छा, ये डीएक्स तो नहीं आएगा, गुड, ये डीएक्स बाय मिस्टेक लगा था, इसका कोई सेंस ही नहीं है, dy/dx होता है, ये dx कब लगता है यहाँ पे? जब इंटीग्रेशन होता है, ये तो आइडेंटिटी ले गई थी पुरानी, मैंने एक मिनट के चक्कर में पूरा, गुड गुड, अच्छी अच्छी तुमने बात पकड़ी, वेरी गुड, इसके लिए आपको एक डेरी मिल्क दी जाएगी 5 रुपए वाली, जो तो ने आधी आधी बाकी मिलेगी, रफ कर दूं इसे? यस, चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बच्चू क्वेश्चन है भाई साहब, कैसा क्वेश्चन है? बच्चू क्वेश्चन है, 1 से 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, आओ जल्दी, लिमिट वाले इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें लिमिट रहते हैं, कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बोलो? x टू द पावर n वाली, x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर 2+1 डिवाइड बाय क्या 2+1 होगी? यस सर, क्या अपने पास में इस तरीके से बॉक्स आता है तो यहाँ पे रखेंगे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, तो मैं आ रही मेरी बात समझ में? 1 और 2, 1 और 2, है ना भाई? अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये बनेगा, ये बना x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 कुछ इस तरीके से, 1 2, हाँ कि ना? यस सर। 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर कौन बचेगा? एक्स क्यूब, ये 1 ये 2। अब तरीका क्या होता है, x में हम वैल्यू रखेंगे, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, क्या रखेंगे? दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट और दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट क्या 1 की पावर 3, बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? 2 2 4 2 8 माइनस 1, क्या आंसर आया बोलो? 7/3 आया के लिए आया सर, ये ज्यादा अच्छा है ना, ये ज्यादा इजी था, तुमने बोला था सर
बड़ा टफ वाला दे दो हमें टफ वाला दे दिया तुम्हें एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन वन टू dx by x इसमें तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है x की पावर 1 नहीं कहां है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में इसको तुम कैसे लिख सकते हो इसे तुम कैसे लिख सकते हो इसको डॉट में इनटू 1 कर नहीं सर मेरे को मालूम है सर डी एक्स एक्स प्रोडक्ट एक्स की पावर माइनस वन नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास में एक चीज अवेलेबल है जिससे फटाफट हो जाएगा देखो इसे मैं बताता हूँ तुम्हें इमेजिनेशन करना पड़ेगा ये वन टू क्या इसे वन बाय एक्स इनटू डी एक्स लिखा जा सकता है yes, मुझे बताओ वन बाय एक्स लॉग एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स लॉग ई एक्स क्या होता भाई साहब बोलो हाँ ना तो क्या अपर लिमिट तो क्या अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट है अब देखो इसमें क्या तरीका होता है लॉग वन की जो वैल्यू होती है वो होती जीरो ये कहीं लिख लो अब इस लिखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ लॉग वन इज जीरो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा लॉग ई टू क्योंकि वो तो जीरो हो गया भाई लॉग ई वन क्या हो गया जीरो हो गया लॉग ई टू की वैल्यू इसकी वैल्यू फिर तुम्हें लॉग बुक से निकालनी पड़ेगी चलो फाइनल तो दिस इज योर आंसर फाइनल आंसर है ना आया तुम्हें समझ में बुक लिखोगे तुम गुड ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वो बायोग्राफी होती है जिसे हम ऑटो में बैठ के लिखते हैं खुद से लिखते हैं मेरी ऑटोबायोग्राफी मैंने ऑटो में बैठ के लिखी थी ऐसा नाउ वन क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन करोगे सर अगर होगा तो कर लेंगे छोटे छोटे बच्चू बच्चू क्वेश्चन है वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है वन टू जीरो वन टू फोर कर लिया वन टू फोर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स करो अंडर रूट माइनस हाफ होगा कर सकते हैं माइनस हाफ जब ऊपर जाएगा ऐसे हाफ होगा माइनस हाफ ऊपर ही लेके जा रहा हूँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कर सकता जरूर मेरा पार्सल आया यस आंसर आएगा ना अपन निकालेंगे बनाते क्या अपन आ जाओ तो इसको करेंगे हम वन बाय फोर क्या इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स यस सर यस सर है इसको अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं अच्छी बात है सर बहुत बढ़िया सर बहुत मजा आया क्या ये ऊपर जाके x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स हो जाएगा yes, sir. क्या अपन वही चीज लगाएंगे जो मैं सोच रहा हूँ लगाने की बोलो yes, sir, वही लगाएंगे वही लगाएंगे आप सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ है ना यस वेरी गुड क्या ये लगेगी x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन क्या हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट भूलना नहीं है क्या x की पावर वन बाय टू हो जाएगा क्या ये भी वन बाय टू हो जाएगा ऐसे ही होगा कुछ क्या ये वन और ये फोर हो जाएगा yes, sir. हो क्या जाएगा ही? आओ. बहुत बढ़िया सर क्या बात है तो क्या इसको लिख सकते हैं अपन टू एक्स की पावर वन बाई क्या ऐसा लिख सकते हैं अरे बोलो ना yes, ये कांस्टेंट बाहर जाएगा तो अंदर क्या एक्स की पावर वन बाई टू बचेगा और लिमिट बचेगी वन टू फोर क्या अपर लिमिट बोलो तो अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट बेसिकली क्या आएगी क्या फोर की पावर वन बाई टू माइनस क्या वन की पावर वन बाई टू
सर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टू ब्रेकेट में अंडर रूट फोर माइनस अंडर रूट वन। यस सर, बेसिकली ये क्या है टू, क्या ये टू माइनस अंडर रूट वन हो जाएगा? क्या यही आंसर है अपना, फोर माइनस टू रूट वन? सर रूट वन तो वन ही होता ना, अंडर रूट ऑफ वन, हाँ वन बोल सकते हो बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ वन वन। तो बेसिकली क्या आ जाएगा आंसर आपका, फोर माइनस टू, तो कितना आंसर आ जाएगा टू। सर आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया भैया, ये समझ में आया है ना? हाँ सो दैट्स गुड, आज की क्लास यहीं तक समाप्त, आज की क्लास यहीं तक समाप्त, आज का एपिसोड समाप्त हो गया भाई साहब। लड़ना नहीं है, करना है क्वेश्चन। यस वेरी गुड, नाउ यू विल गेट समथिंग फ्रॉम मी माय साइड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन। Is homework, you are going to get the question. Very good question. Very nice question. Nice question. I'm going to. Sir, limit ka ke unlimited ka? Sir, ye do baar two pass hai ek mein, ye do baar two pass hai. Unse ye four haar hai two. Acha, wo sorted hai yaar, main. Samjhe ki nahi? Sir, samajh gaya. Likho question. Ek question hai. Wo question kya hai? Acha hai. Acha question. इंटीग्रेशन R1 टू R2 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर dr। भाई साहब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का एक ही रूल है कि जो चीजें, जो ये dr है, दिस इज dr, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सब की कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। फिर तो क्या कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है ना, ये भार आ जाएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, बचा कौन ले लूंगा मैं, बचा r। और ये रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ये रहेगा अंदर, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, आर के। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? ये तीनों मतलब भार, ये वन अपॉन आर कर लोगे? कोशिश तो करेंगे। हाँ तो ये घर पे करना है बेटा होमवर्क। यस ओके, आज की क्लास फिनिश, आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। ओके गुड बाय।